इतने तो देखो बहुत ही ज्यादा अच्छा कलर है इसका। रोगन देखिए कितना अच्छा है, और साथ में दिए इन्होंने मिर्ची और आलू और चने की। शुरू से शौक था तड़के लगाने का। ठीक है, हाय गाइस, दिस इज यू वाचिंग, वेलकम टू द फूड सेवेज, और मैं हूं आपका दोस्त शुभम। तो आज हम आए हैं मंडी रोड में नियर अबाउट अग्रवाल किराना स्टोर और मून फास्ट फूड। अगर तब भी आपको समझ ना लगे तो आपको बेस्ट डिटेल में हम बता देंगे। तो आए हैं यहां पे पप्पा भाजी के पास, जो कि इनके टेस्टी छोले भटूरे ट्राई करने। तो आइए, टेस्ट करने से पहले इनसे पूछते हैं कब से लगा रहे, कितने साल पुरानी शॉप है और क्या रेटिंग है। आइए। तो जैसा कि आपने देखा कि मेरे साथ शॉप के ओनर हैं, तो इनसे जानते हैं सर कितने साल पुरानी शॉप है आपकी। 40 साल। 40 साल पुरानी शॉप है, तो ये आइडिया आपको कहाँ से आया दिमाग में ये करना है। शुरू से शौक था तड़के लगाने का। ठीक है, ऐसा कुछ चीज़ चाहे एक साल हो जाए, एक बात आपकी बहुत की है, एक साल हो जाए, दो साल हो जाए, चाहे 10 साल हो जाए, आपके भटूरे छोले का टेस्ट तो वैसा ही रहता है। जब तक जीता है तब तो बैठेगा ही। अरे तो बचपन से खा रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, ऐसा ही टेस्ट आ रहा है। तो ये शुद्ध है, टेस्टी है, शुद्ध है, ठीक है, और इसका रेसिपी बहुत बढ़िया है। हाँ, ये तो हेल्दी भी है। कोई सीक्रेट मसाला आपका? सीक्रेट जो पंजाब के देसी मसाले वही है, जीरा काली, ठीक है, धनिया हो गया, दालचीनी हो गई, जैफर हो गई, ठीक, और भी दो चार और भी है, ठीक है, वही यूज होते हैं, बहुत प्योर होते हैं। ठीक है, तो ये थे अपने शॉप के ओनर जिनसे हमने बात की। तो उसके बाद हम जानते हैं कि कस्टमर को उनको कैसा लगता है। तो सर क्या नाम है आपका? सर ब्रजेश कुमार। तो कब से आ रहे हैं आप यहाँ? 15 साल से आ रहे हैं। तो इनके भटूरे छोले में आपको क्या खास लगता है? इनकी क्वालिटी, क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो टेस्टिंग की वैसी क्वालिटी है जैसे 15 साल। अगर आपको नंबर देने के लिए घूम 10 में से तो कितने देंगे? 10 में से 10 देंगे। तो ये तो बहुत बढ़िया है, ये मेरे भाई हैं, 10 में से 10 देंगे। तो चलिए आज फिर टेस्ट करके खाइए। ये देखिए कैसा है सर, बढ़िया। चलिए बहुत शुक्रिया आपसे मिलकर। ये देखिए, ये स्टॉक पहले से रेडी करके रखते हैं क्योंकि ऑर्डर बहुत ज्यादा रहते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए, इनके पहले ही स्टॉक तैयार हुआ हुआ है। देखिए भैया अभी रेडी करके दिखाएंगे कि अच्छे से भटूरे इनके फूल रहे हैं, गोल्डन कलर आएगा बीच पे। तो ये देखिए, ये फ्राई कर रहे हैं अच्छे से, डीप फ्राई। तो डीप फ्राई के साथ पहले, जब तक हमारे भटूरे डीप फ्राई होते हैं तो हम चने को देखते हैं पहले, अच्छे से अच्छी तरह से फ्लफी हो रहे हैं, फूल रहे हैं। तो ये देखिए, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, इतना अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आया है इस पर। तो आप देख सकते हैं कि क्या बात है, दिल कर रहा है कि खा जाऊँ, अब तो रहा ही नहीं जा रहा, इसलिए पहले चने में ट्रे देखते हैं। भैया देखिए, ये देखिए, ये है जन्नत का कुआं, जन्नत का कुआं है। इसका अच्छा कलर देखिए कितना अच्छा है, बढ़िया है, बहुत ही ब्राउन कलर है। ऊपर मिर्ची कैसे तैर रही है, रोगन का कलर देखिए। और ये एक और ऐड करते हैं यहाँ पे, ये आलू की सब्जी है इसकी, और ये साथ में मिक्स करके देते हैं। तो मैं गाइस आपको बता रहा हूँ कि आपको एक बार ट्राई करेंगे ना, इसकी लत लग जाएगी। तो अंकल आप जोमेटो से भी, स्विगी पे भी हो? स्विगी पे हैं, और क्या चाहिए, स्विगी पे भी हैं अंकल। तो ये देखिए अभी भटूरे एक शॉट ले लेते हैं, और ये भैया जो भटूरे फ्राई करके हमें देते हैं, तो इनकी सिटिंग भी बहुत ही प्रॉपर है। ये देखिए, आप यहाँ पे खड़े होके कभी भी इंजॉय कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। तो ये देखिए, मेरे भटूरे छोले रेडी होके आ रहे हैं, इतना अच्छा कलर है गोल्डन ब्राउन, और चने तो देखो बहुत ही ज्यादा अच्छा कलर है इसका। रोगन देखिए कितना अच्छा है, और साथ में दिए इन्होंने मिर्ची और आलू और चने की सब्जी मिक्स करके देते हैं, और साथ में दिए प्याज। इसकी मैं आपको, ये देखिए कैसे बहुत ही बढ़िया तरीके से पके हुए हैं, ये देखिए बहुत ही ज्यादा अच्छे से, बहुत ही ज्यादा। अब आपको टेस्ट करके बताता हूँ
कि कैसा है इसका स्वाद, तो चलिए बताता हूँ आपको। कितना सॉफ्ट है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा। तो चलिए पहली बार देता हूँ और बताता हूँ आपको कैसी है ये। बहुत ही अच्छा, ऐसा ही स्वाद है चाहे 10 साल पहले था जैसा, वैसा ही स्वाद है इसका, बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। और अपने तो भगोड़ा वालों की ऐसा हो ही नहीं सकता, भटूरे छोले के बगैर सुबह हो जाए, तो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। बहुत ज्यादा बढ़िया ये है। ये देखिए चने बहुत ही ज्यादा कुछ बढ़िया दिख रही पके हुए हैं। ये अभी तू भी ट्राई कर। आगे बता कैसे है। अगर आपके पास ऐसी कोई लोकेशन है जहां पे स्ट्रीट फूड बहुत ही ज्यादा अच्छा मिलता है तो हमें बताइए, हम उसे भी कवर करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसकी प्राइसिंग की बात करें तो बहुत ही कम प्राइसिंग है, 50 रुपीज की आपको प्लेट मिलेगी एक। और सबसे बड़ी बात, ये स्विगी पे भी है इसलिए आप घर बैठे भी एंजॉय कर सकते हो ऑर्डर करके, तो अपने दोस्तों के साथ फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए और हम भी करते हैं।